अकेला ही तेजस्वी थी, इसलिए कहा कि सबको छोटे बड़े का सबका सम्मान रखने के लिए वो तैयार रहते हैं। युवाओं को रोजगार नहीं है बिहार में, 60% युवा जो है बिहार में वह पूरी तरह तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करती है। और आने वाले 2020 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं अमन आराध, देख रहे हैं लाइव सिटीज। आज राजद का खुला अधिवेशन है, तो आइए लोगों से जानते हैं कि उनकी क्या राय है। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, क्या लगता है कि राजद चुनौती दे पाएंगे उनको? एकदम दे पाएंगे, कहाँ से पीछे हट जाएंगे जी। हर जगह से देंगे चुनौती, और क्यों नहीं देंगे? कैसे देंगे? देखिए, हमारे पास सब कुछ महंगा, प्याज देखिए सबसे अधिक तो प्याज पे, हर टिकटॉक पे देखिए या कहीं भी देखिए, सब जगह प्याज का मारा मारी है। तेजस्वी क्यों है? तेजस्वी एक सबको लेके चलने वाले एक पार्टी के लोग हैं, और सिर्फ सेकुलर पे ही काम करते हैं। ये नहीं कि एक किसी कास्ट पे या अपर कास्ट के लिए इतना करना, ये अकेला ही तेजस्वी जी इसलिए कहा कि सबको छोटे बड़े का सबका सम्मान रखने के लिए वो तैयार रहते हैं। क्या राजद बीजेपी को चुनौती दे पाएगी? निश्चित रूप से, बिहार में जिस तरह से छात्रों और युवाओं का शोषण हुआ है, जिस तरह से आने वाले समय में, पिछले समय में शिक्षा व्यवस्था चरमरा गई है, युवाओं को रोजगार नहीं है बिहार में, उसी की लड़ाई के लिए यहाँ पर राजद एकजुट हुआ है। और आने वाले समय में निश्चित रूप से जदयू और भाजपा के गठबंधन को यहाँ से परास्त करके माननीय तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का काम किया जाएगा। और भी लोगों से बात करते हैं, RJD MLA भी है सुधा यादव सर, क्या लगता है आपको कि बीजेपी को चुनौती दे पाएगा राजद? देख लीजिए, बीजेपी ही नहीं, हम लोग पूरे अभी जो स्थिति है, चूँकि जिस तरह अभी राज और देश में जन विरोधी नीतियों में शामिल है यह सरकार, उसको लेकर के पूरा बिहार की जनता में आक्रोश है। आए दिन आप देख रहे होंगे कि जिस तरह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देने वाली सरकार, उसी के राज में हमारी बेटी हमारी बहन आज सुरक्षित नहीं है। आए दिन उसके साथ रहजानी हो रहा है और उसे जिंदा जला दिया जा रहा है। तो इन सारे सवालों को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल का आज खुला अधिवेशन है, और 10 प्रस्ताव लेकर के यहाँ पूरी तरह सदन से स्वीकृति लेकर के फिर गांव और बूथ की ओर राष्ट्रीय जनता दल तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जाने वाला है। युवा तेजस्वी यादव को ही क्यों चुना गया? तेजस्वी यादव, आप देख रहे हैं कि जब से तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में विरोधी दल के नेता के रूप में अपना कार्यभार संभाले हैं, तो उनका तेवर और जो उनका कार्य करने की जो क्षमता है, वह दिन दिन दुगना रात चौगुना बढ़ रहा है। और बिहार की जनता तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री के रूप में देख रही है, इसलिए युवा 60% युवा जो है बिहार में, वह पूरी तरह तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करती है। क्यों नहीं दे पाएगा? देगा ही, और मोड़ पर देगा RJD। 2020 में आने तो दीजिए समय, सारा जनता सारा लोग पब्लिक इंतजार में है कि 2020 आए कि जवाब दिया जाए। तेजस्वी यादव क्यों? क्यों तेजस्वी यादव क्यों? हम लोग पार्टी के विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव। राजद बीजेपी को चुनौती दे पाएगा? चुनौती देगा, और आने वाले 2020 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। चुनौती कहीं भारतीय जनता पार्टी और जदयू कहीं है ही नहीं, कोई नामो निशान नहीं है कर रहे हैं। कहाँ तेजस्वी यादव, कहाँ ये बीजेपी, कहीं कुछ है ही नहीं। तो जैसा कि आपने देखा कि राजद के नेता और कार्यकर्ता दोनों ही तेजस्वी को काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं, और आने वाले महागठबंधन में तेजस्वी को वो चुनेंगे। बाकी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए लाइव सिटीज देखते रहे, और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अकेला ही तेजस्वी जी इसलिए कहा कि सबको छोटे बड़े का सबका सम्मान रखने के लिए वो तैयार रहते हैं। युवाओं को रोजगार नहीं है बिहार में, 60% युवा जो है बिहार में, वह पूरी तरह तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करती है। और आने वाले 2020 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं।